नमस्कार, अवंतिका स्टोरीज की ओर से अभी जो मैं एक आपके पास उलझन में टॉपिक रखने जा रही हूँ, उस टॉपिक का नाम है हमारा मनःस्थिति और हमारा साइकोसिस। साइकोसिस क्या है? साइकोसिस एक तरह का डिजीज़ है, एक तरह की मानसिक बीमारी है जो हमें पता नहीं चलता है और हमें हो जाता है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है या ये आदमी, कभी कभी हमें बड़ा अजीब सा फीलिंग होता है कि हम कुछ जो देख रहे हैं वो सच है, लेकिन शायद वो सच नहीं होता है। हम कभी कभी ये देखते हैं कि वो आदमी मुझे जहर दे देगा, मुझे मार देगा, मुझे अब इस दुनिया में या इसमें मेरा मुझे तकलीफ़ पहुंचाएगा। मुझे याद है कि मेरी पोस्टिंग हुई थी पुणे में। मैं जब पुणे गई तो मुझे एक मेरी ही महिला कलीग ने मुझसे कहा, आपको पता है आपके टैंक में जिसमें आपका पानी आता है उसमें जहर दिया हुआ है, आपके ही एक ऑफिसर ने जहर दिया है और आप उसे पीना मत। मैं सन्न रह गई, उसने जहर दिया, क्यों दिया भाई? लेकिन मुझे वो समझ में तब नहीं आया था कि ये एक तरह की बीमारी है, साइकोसिस। और तब मैंने उनसे पूछा कि लेकिन आपको कैसे पता चला कि उसने मुझे जहर दिया है? नहीं नहीं, वो कर सकते हैं, वो आपके इसमें कर सकते हैं। बोले क्यों? अरे वो आपके कंपटीटर हैं। लेकिन कंपटीटर मुझे जहर क्यों देगा? कुछ देर में किसी ने इशारा किया, मैं वहाँ से हट गई और मैंने पूछा क्या हुआ। बोला ये सबको यही बोलती हैं, हमेशा डरा के रखती हैं, इनकी बदमाशी है। बात आई गई होगी, कुछ दिन के बाद उन्होंने फिर एक लेडी कलीग से झगड़ा किया। मैं उस वक्त नहीं थी, छुट्टी में थी। तो जब मैं लौट के आई तो मेरे बॉस ने कहा कि मैडम अगर आप होती तो ये झगड़ा ना होता। और सही में मैंने बहुत बार झगड़े को संभाला था, लेकिन वो झगड़ा क्या था कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ चाय पी। उसने कहा मैं क्यों चाय पीऊँगी, मैं मेरा अपना हस्बैंड, अपनी फैमिली, अपना सारा है, लेकिन मैं क्यों पीऊँगी? नहीं नहीं, आप नहीं पी। मुझे अभी एक किस्सा और परवीन बॉबी का याद आ रहा है कि उसने भी लोगों पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए और लोगों से उसने कहा कि उसे किसी ने जहर दे दिया। ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी आपको जहर की बात करे, ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो आदमी आपको तकलीफ़ दे, बट वो दिन रात कुछ ऐसा सोचता या समझता रहता है कि उसे लगता है कि कोई तीसरा उसे तंग कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में जहर घोल रहा है, उसे प्रॉब्लम में डाल रहा है। ये जो है ये एक तरह से सिज़ोफ्रेनिया है, हेलुसिनेशन है, डिल्यूज़न है, ये एक तरह से साइकोसिस मानसिक डिसऑर्डर है जिसे हम शुरू में समझ नहीं पाते। अक्सर ये बहुत शुरू में इनिशियल स्टेज में ही शुरुआत इसकी हो जाती है। इसकी शुरुआत हमेशा से कम कम, आई विल टेक योर फोटोग्राफ, कम कम दिस साइड, यस यस, ओके बाय। सो हमेशा से ऐसा होता है कि आपको वो लगते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये आपको तंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है कि वो सचमुच बीमार हैं और उन्हें सचमुच लगता है कि वो कहीं प्रॉब्लम में हैं और मुझे या उसे या किसी को लोग तरीके से प्रॉब्लम देंगे, लेकिन हम वो समझते ही नहीं हैं। हम उनसे झगड़ा करते हैं, हम उनको प्रॉब्लम में और डालते हैं और हम तंग करते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो हैं ये हमें जानबूझकर तंग कर रही हैं और हमें प्रॉब्लम में डालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी बीमारी बढ़ जाती है तब पता लगता है कि वो तो सचमुच बीमार हैं, और तब बहुत देर हो जाती है, तब हम उन्हें कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ समाज का रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम समाज के, मैं अवंतिका में जो बात करती हूँ वो समाज के बारे में ही बात करती हूँ। वो हमेशा से इसलिए बात करती हूँ कि लोगों को ये पता चले, जो पढ़े लिखे नहीं हैं,
जिनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें ये पता लगे कि समाज के अंदर जो बीमारियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो पनप रहे हैं, उन्हें वो कैसे रोक सकते हैं और उनको वो कैसे समझ सकते हैं। ये बस मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा इस बस पे डबल डेकर पे ऊपर बैठती हूँ और ऊपर बैठ के पूरा नज़ारा देखती हूँ। तो अगर हम इन लक्षणों को पहचान लें जो प्राइमरी साइकोसिस या सिज़ोफ्रेनिया में होती है, तो हमें इनको संभालने में बहुत आराम मिलेगा, इनको संभालने में हमें बहुत सुविधा मिलेगी। प्राइमरी साइकोसिस एक जो आनुवंशिक बीमारी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको आज हुआ है। हो सकता है आपके ख़ानदान में, आपके परिवार में, आपके मायके साइड में, आपके ससुराल साइड में ये बीमारी किसी को हो। इस बीमारी के क्या लक्षण हैं? इस बीमारी के लक्षण हैं, इंसान खुद को लोगों से दूर करने लगता है, अकेला रहना पसंद करता है, चिड़चिड़ाता है, लोगों को जवाब देता है और कभी कभी तो आपको ऐसी बात बोल देगा कि आपको लगेगा इसे तो उठा के पटक ही दो। वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है, खुद को कमरे में बंद कर लेता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि साइकोसिस दिमाग में रसायन के असंतुलन को बढ़ा देता है। हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उसको वो गड़बड़ा देता है और उसमें क्या होता है कि हम फिर ज़िंदगी को बड़े अजीब ढंग से जीने लगते हैं। लोग ज़िद्दी हो जाते हैं, लोग की बात नहीं मानते हैं। लेकिन ये हमारा ये बड़ा खूबसूरत सा सीन था। आप देखें, ये सब छोटे छोटे सीन को मैं इंजॉय करती हूँ। मैं काफ़ी कुछ इससे अपने को फिट रखती हूँ। तो ये सिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसे मानसिक बीमारियों के लोगों को ज़्यादा होता है और ज़्यादा डेवलप करता है। साइकोसिस के मुख्य लक्षणों में सोच और विचारों में डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ा कारण है, जिसे हम शुरुआत में नहीं पकड़ पाते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे हम पकड़ने लगते हैं। एक तरीके से इसे हम हिंदी में भ्रम भी कह सकते हैं और भ्रम के साथ जीना बड़ा ही डिफ़िकल्ट और बड़ा ही टॉर्चरस चीज़ होती है, क्योंकि हम बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे भ्रम में लोगों को कह देते हैं कि इसने तो मुझे चोट पहुंचाई, इसने तो मुझे मारा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे इसे तो मैंने किसी और के साथ देखा था, और इसी तरह की छोटी छोटी बीमारियों के साथ ये बात करते हैं और हम उसे समझ नहीं पाते। आपको जैसे ही इस लक्षण का पता चले, हो सकता है आपके अगल बगल में लोग हों, आप प्लीज़ उनसे बात करें, उन्हें कन्विंस करें, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। ये बीमारी अगर इनिशियल स्टेज में या मिडिल स्टेज में अगर आपको पता लगता है और आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आप शायद उस आदमी को ठीक कर लेते हैं। इसमें समाज की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। समाज में अगर आप सौहार्द रखें, आप किसी के बारे में गलत सलत कमेंट ना करें और अपने को समेट कर रखें, तो आपका भी घर सुधरा रहेगा और सामने वाले का भी। और आप एक चीज़ जान लें, भगवान या खुदा उसे माफ़ नहीं करता जो समाज में गंदगी फैलाते हैं। अवंतिका स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। खासकर उन लोगों से शेयर करें जो आपको लगता है कि उन्हें इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।